हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस महासचिव एवं यूपी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी को सेवानिवृत्त आईपीएस एसआर दारापुरी के घर जाने से लखनऊ पुलिस द्वारा जबरन रोकने के बाद यूपी में राजनीति गर्मा गई है। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। शनिवार शाम को प्रियंका को पुलिस द्वारा जबरन रोके जाने पर अब जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल प्रियंका लखनऊ में स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद सीएए और एनआरसी के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद गिरफ्तार किए गए प्रसिद्ध अम्बेडकरवादी संविधान चिंतक व सेवानिवृत्त आईपीएस एसआर दारापुरी की बीमार पत्नी से मिलने जा रही थी। किस बात पे रोक रहे हैं? रोकने का शहर में घूमना, बीच में ऐसी कहीं होती है? एसपीजी का इशू नहीं है, ये यूपी पुलिस का इशू है, कोई हमें रोकने का कोई मतलब ही नहीं। बीच सड़क पे आके रोक रहे हैं, एक्सीडेंट करा देते नहीं, एक्सीडेंट करा देते जिस तरह। कोई रीजन है, कोई कारण है, क्यों रोक रहे हैं? मगर लखनऊ 1090 चौराहे पर पुलिस ने प्रियंका के काफिले को बीच चौराहे पर रोक लिया। पुलिस ने प्रियंका गांधी को धारा 144 का हवाला दिया तो प्रियंका काफिले को पीछे छोड़ वहां से पैदल रवाना हो गए। इस दौरान प्रियंका तकरीबन 6 किलोमीटर तक पैदल चली, जबकि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और प्रशासनिक अमला भी प्रियंका के पीछे लगा रहा। जब उन्होंने कहा कि गाड़ी से नहीं जा सकते, हमने वजह मांगी, वजह नहीं दी उन्होंने, कोई वजह नहीं जा सकते। क्या वाकई बदतमीजी की गई आपके साथ? सारी गाड़ियां चल रही है, मैंने कहा ठीक है मैं पैदल चलती हूँ। क्या वाकई बदतमीजी हुई आपके साथ? तकरीबन चली, उसके बाद मुझे महिला कर्मियों ने पकड़ा, गले से भी पकड़ा और यहाँ से भी पकड़ा और धकेला। यानी कि आपके साथ पुलिस ने 5 बार चलती दोबारा मुझे घेरा, मैं टूल से बैठ के निकल गई, फिर उनको घेर दिया रेड लाइन में। उनसे पूछे मुझे समझ डरती है, पॉलिटिक्स इफेक्टेड होगी यहाँ की लगता है आपको? देखिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ तमाशा करने नहीं जा रही थी। हम चार लोग थे, चार लोग थे गाड़ी में और हम शांतिपूर्वक फैमिली से मिलने जा रहे थे। मैंने यहाँ के लोगों को भी नहीं, पीसीसी के लोगों को भी नहीं बताया कि क्या बताऊँ, वहाँ पहुँच जाए तमाशा हो जाए, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई डिस्टर्बेंस हो पाए, चुपचाप से हम जा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने मुझे बेवजह रोका और इलीगल रोका, तब मैंने कहा अब मैं नहीं। क्या योगी की पुलिस डर रही है? डर रही है आपसे यूपी पुलिस? अच्छा, आप हर जगह लोगों से मिलने के लिए जा रही हैं, लेकिन बाकी विपक्ष के लोग शांत बैठे हैं, क्या कहेंगे? एनआरसी और सीए को लेकर विरोध लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, वाइट हो रही है, वाइट हो रही है। और प्रियंका गांधी की सरकार इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है कि ताकि आगे चल के किसी चुनाव के पहले दोबारा इसको निकाले, हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पूरा देश इसके खिलाफ है। जितने भी छात्र बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ, तमाम जनता खिलाफ, तमाम मुख्यमंत्रियों ने, सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है कि वो लागू नहीं होने देंगे, तो ये देश लागू नहीं होने देगा एक इस घर के लिए जो संविधान के खिलाफ है ये कानून। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सूबे की योगी सरकार तानाशाही पर आमदा है, मगर वो लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने आदित्यनाथ योगी की सरकार को तानाशाह बताते हुए लखनऊ पुलिस पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। प्रियंका का आरोप है कि एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उनके साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की गई बल्कि उनका गला भी दबाया गया। हालांकि इस सब के बीच प्रियंका पूर्व आईपीएस की पत्नी का हाल जान चुकी थी। आज जो हमारे यहाँ क्षेत्राधिकारी मॉडर्न कंट्रोल रूम है, डॉक्टर अर्चना सिंह महिला क्षेत्राधिकारी हैं, इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल को, जिसमें इन्होंने अवगत कराया है कि आज दिनांक 28/12/19 को माननीय राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का जनपद लखनऊ में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित था,
जिसमें इनकी ड्यूटी फ्लीट प्रभारी के रूप में लगाई गई थी। श्रीमती वाड्रा द्वारा कांग्रेस पार्टी कार्यालय से मॉल एवेन्यू से कॉल हाउस गोखले मार्ग के लिए प्रस्थान किया गया, किंतु 1090 चौराहे से निर्धारित मार्ग पर फ्लीट की गाड़ियां जा रही थीं, परंतु श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की गाड़ी निर्धारित मार्ग पर न जाकर लोहिया पथ की तरफ जाने लगी। तब इनके द्वारा महोदया से सुरक्षार्थ गंतव्य हेतु जानकारी चाही गई, क्योंकि महानुभाव के कैटेगराइज सुरक्षा के दृष्टिगत अग्रिम सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था कराई जानी अपेक्षित रहती है, इस जिसके बारे में इनको क्षेत्राधिकारी को पूर्व से सूचित नहीं किया गया। और यह जानना चाहती थी कि श्रीमती वाड्रा कहाँ जाना चाहती हैं, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको वहाँ पर रोका गया और जानकारी देने से इनकार किया गया। इसके बाद श्रीमती वाड्रा गाड़ी से उतरकर पैदल कार्यकर्ताओं के साथ चलने लगीं। इन्होंने जो क्षेत्राधिकारी अर्चना हैं, इन्होंने यह भी अवगत कराया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भ्रामक बातें जैसे कि गला पकड़ना, गिराना आदि जो प्रसारित की जा रही हैं वो पूर्णतः असत्य हैं, तथा इनके द्वारा पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वाहन किया गया है। इस प्रकार क्षेत्राधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है उसमें उन्होंने सिरे से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है, और साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि जो सहयोग उनके द्वारा अपेक्षित था सुरक्षा की दृष्टिगत, सुरक्षा व्यवस्थाओं की दृष्टिगत, वो सहयोग उनको प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु इसके उन्होंने अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है। मैडम के साथ कोई भी अभद्रता नहीं की गई। मैं उनकी फ्लीट प्रभारी थी और मुझे करीब 4:30 बजे के करीब सूचना मिली कि मैडम पार्टी कार्यालय से अपने आवास कॉल हाउस जाएंगी। मैम की फ्लीट तदनुसार रवाना की गई और फ्लीट का अगला हिस्सा कॉल हाउस के लिए मुड़ भी गया था, लेकिन मैम फ्लीट के साथ ना मुड़ के सीधे जाने लगी। मेरे द्वारा ये जानकारी करनी चाहिए कि मैडम कहाँ जाना चाहती हैं ताकि तदनुसार अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। चूँकि मैडम कैटेगराइज प्रोटेक्टी हैं इसलिए उनकी अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया और मैडम गाड़ी से उतर के पैदल ही मार्च करने लगी। इस बीच मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई, एक बार तो मैं गिर भी गई थी। मैडम के साथ किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पर कोई अभद्रता नहीं की गई। इसके बाद मैडम स्कूटी से जाने लगी बिना हेलमेट के, एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर बैठ के, वो भी हेलमेट नहीं लगाया था, जाने लगी। पॉलिटेक्निक चौराहे पर जब रुकी मैडम तो मैं उनको बताया गया मैडम आपने हेलमेट नहीं लगाया, जो आपकी सुरक्षा के लिए उचित भी नहीं है। उसके बाद मैडम गाड़ी से उतर के स्कूटी से उतर के पैदल ही एसआर दाराकू जी के आवास तक गई और इस बीच उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र ये जानना खाली चाहा गया था कि वो कहाँ जाना चाहती है। मेरे द्वारा सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। वहीं मीडिया के सामने प्रियंका द्वारा पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाए जाने के बाद यूपी की राजनीति में घमासान मच गया है, और इस घमासान के बीच योगी सरकार इस बार यूपी पुलिस के साथ खड़ी नजर आ रही है। भाजपा के कई नेता ट्विटर पर इसे प्रियंका गांधी की राजनीति बता रहे हैं। घटना के बाद यूपी में भले ही राजनीति तेज हो गई हो या फिर प्रियंका द्वारा लगाए गंभीर आरोपों की सच्चाई जांच के बाद साफ हो, मगर प्रियंका द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच होना भी जरूरी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ अनिल सैनी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।